तो इस समय मैं हूँ इंडियन सुपरबाइक ड्राइविंग 3D गेम के एक बहुत ही बड़ी सिटी में। कैसा? क्योंकि मैंने डाउनलोड किया है 7 वर्जन का इंडियन सुपरबाइक ड्राइविंग 3D गेम एंड इसके अंदर तो हमें गेम की बहुत ही बड़ी सिटी देखने को मिल जाती है। एंड लिटरली आज की इसी वीडियो के अंदर हम लोग इसी वाले वर्जन के कुछ अमेजिंग मिथ्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं। एंड ओ भाई, ये बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाले बंदे के गले में क्या सही सोने की चैन है। ये अकेला जो अपना सारा पैसा लेके घूमता है। इमोशनल डैमेज। बट एनीवेज, चलो आज की इस वीडियो के भी अंदर हम लोग देखते हैं इंडियन सुपरबाइक ड्राइविंग 3D गेम के कुछ अमेजिंग मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो बिना बोले चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो एंड चलो तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो बात करा जाए इस 7 वर्जन के इंडियन सुपरबाइक ड्राइविंग 3D गेम की फर्स्ट मिथ की तो वो है कि हमें इस पूरे गेम के अंदर एक भी NPC देखने को नहीं मिलता है। बस 3 ही देखने को मिलते हैं जो कि हमारे घर के ही सामने है। एंड मजे की बात तो ये है कि इन तीनों की शक्ल ही मिलती है। जुड़वा हो? नहीं, हम तीनों तुड़वा है। और ठीक है, पहला जुड़वा थे फिर तुड़के हैं। हाँ बराबर। हाँ मेरा वही मतलब तुड़वा, व्हाटएवर, समझ गया। एंड इस मिथ के अकॉर्डिंग ये सिर्फ 3 ही रहने वाले हैं, फिर चाहे हम इनमें से तीनों को ही मार दें तो उसके बाद भी जो NPC स्पॉन होंगे उनकी काउंट भी बस 3 ही रहने वाली एंड ये हमेशा 3 ही रहेगी। तो मैंने यहाँ पे लिटरली एक एक बार ऑलमोस्ट सभी को मार के चेक कर लिया एंड बार बार उतने ही स्पॉन हो रहे हैं। हालांकि अब डेड बॉडीज ज्यादा हो चुकी है बट जिंदा हमारे पास सिर्फ 3 ही NPC अभी भी है। सो दैट्स मीन ये एक मिथ नहीं है, ये एक फैक्ट। बट anyway, चलो अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो की सेकंड मिथ को, जो कि है कि हम लोग इस सिटी के किसी भी घर के किसी भी फ्लोर के बालकनी में जा सकते हैं एंड वो भी बस एक हेलीकॉप्टर की हेल्प से। तो वैसे तो जो गेम में एक कैरेक्टर के लिए हाउस दिया जाता है हम लोग सिर्फ उसी के अंदर जा सकते हैं, बट लाइक इस ट्रिक की वजह से हम लोग और भी घर के अंदर जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्पॉन करवा लिया है अपना एक हेलीकॉप्टर एंड अब ढूंढते हैं भाई बालकनी वाले बिल्डिंग कौन सी है। तो इधर की साइड एक बिल्डिंग तो थी, तो चलो देखते हैं कहाँ ये रही। तो मैंने अपना हेलीकॉप्टर सिंपली यहाँ पे करवा दिया एंड बस अब हमें नीचे जाना है एंड नीचे जाने का बस यही तरीका है। साले कुत्तों की जिंदगी। बट एनीवेज, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो लिटरली हम लोग यहाँ से पूरी सिटी का नजारा भी देख सकते हैं एंड हमें तो नीचे चलती हुई कार्स भी दिख रही हैं। एंड इस समय हम खड़े हैं इस बिल्डिंग के 4th-5th फ्लोर पे, जो कि हमारी है भी नहीं। बट स्टिल ये मिथ वर्क तो करता है, तो दैट्स मीन ये एक मिथ नहीं है, ये एक फैक्ट। एंड हाँ, अब बात किया जाए अपने इस वीडियो की लास्ट मिथ की, तो उसकी हेल्प से तो हम लोग लिटरली इस गेम के बाहर भी गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अब वेट, हम लोग खुद ही टेस्ट करके देख लेते हैं। Okay. तो मैं हेलीकॉप्टर की हेल्प से अब आ गया हूँ अपनी सिटी के पीछे एंड तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो लिटरली हमारा हेलीकॉप्टर जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर लैंड हुआ है। साले मजाक बना के रखा। एंड अगर मैं यहाँ से उतरता भी हूँ तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारी थोड़ी सी बॉडी जमीन के अंदर है एंड जैसे जैसे मैं आगे की ओर जाता रहूंगा हमारा पूरा कैरेक्टर जमीन के अंदर ही चला जाएगा। एंड अब तुम लोग देख सकते हो मैंने यहीं पे स्पॉन करवा ली अपनी एक बाइक एंड ऐसा लग रहा है पूरे आसमान के बीच में सिटी है एंड उसके हम लोग नीचे खड़े हुए एंड सिटी भी नहीं गिरी, हम भी नहीं गिर रहे हैं। सच में इस लाइन में पूरी पोयम लिखी जा सकती है। अबे चुप। बट एनीवेज, इस मिथ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा ही होना चाहिए था एंड ऐसा ही हो रहा है। बट चलो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग कब तक आसमान में दौड़ सकते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट काफी टाइम से दौड़ रहा हूँ एंड ओ भाई, तो अब हमारा प्लेयर नीचे की ओर गिरने लगा है। बट हाँ, एटलीस्ट ये एक मिथ नहीं है, ये एक फैक्ट। तो अगर तुमने इस वीडियो को थोड़ा सा भी इंजॉय किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन करे कर देना एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।